हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। और मैं शैलेंद्र आज फिर से कुछ नया लाया हूँ आपके लिए। मेरे चैनल पर आजकल बहुत सारे कमेंट्स मैं कहूँ, और जिन लोगों से मेरी जो बात होती है, उन लोगों का कहना ये होता है कि जो भी आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, उनका सबसे प्राइमरी जो मैं कहूँगा कि जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक बनता जा रहा है। कोई भी फ्रॉड हो रहा है, चाहे वो आप अपनी कोई चीज़ आप बाय करना चाह रहे हैं अगर फेसबुक प्लेटफॉर्म से, तो आपके साथ फ्रॉड होगा। आपने कोई वॉच देखी सपोज़ फेसबुक पे, और आपने उसको बाय किया, तो पता चला कि वो भी किसी न किसी रूट पे फ्रॉड निकलेगा। आपका जो आजकल बहुत ज़्यादा तादाद में मैं कहूँगा कि जो न्यूड वीडियो कॉल स्कैम जो हो रहे हैं, वो भी सबसे पहले कनेक्ट जो होते हैं वो फेसबुक पे होते हैं। फिर फेसबुक पे जब आपको कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद धीरे से आपका व्हाट्सएप नंबर लिया जाता है, और व्हाट्सएप नंबर पे जब आपका वीडियो कॉल किया जाता है आपको, तो फिर आपकी और जो न्यूड वीडियो पर जो लड़की होती है उसका क्लिप कंबाइन करके आपको पैसे अटने का एक जाल बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इन केस आपके साथ अगर कोई फ्रॉड फेसबुक पर हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड हो, चाहे वो किसी रिलेटेड टू बाइंग हो, चाहे वो रिलेटेड टू कोई वीडियो स्कैम हो, तो आपको फेसबुक पे किस तरीके से कंप्लेंट करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो दैट कि फ्रॉड अगर आपके साथ हो भी गया है, तो एटलीस्ट कंप्लेंट करने के बाद आप पूरी तरीके से अपने आप को सेफ रख सकेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फेसबुक का फ्रंट पेज है। जो लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ये फेसबुक का फ्रंट पेज है जो इनिशियली सेटअप पेज खुलता है। अब आप देख रहे होंगे इसमें फर्स्ट जो पहले नंबर का पेज है, उसमें आप देख रहे हो कि अपर कॉर्नर पर तीन लाइंस बनी हुई हैं। आपको जब भी कोई फ्रॉड हो जाता है, तो सबसे पहले अपने पेज के इस सेटअप में जाके इस पेज को खोलना है फेसबुक के, और इन तीन लाइंस पे क्लिक करना है। जब आप इन तीन लाइंस पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक दूसरा नंबर का पेज खुलेगा जिस पे नंबर टू लिखा हुआ है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखोगे कि जो पेज नंबर थ्री है, उस पर हेल्प एंड सपोर्ट नाम का एक फंक्शन नीचे दिया हुआ है। आपको इस हेल्प एंड सपोर्ट नाम के फंक्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक चौथा पेज आएगा, जो आएगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो आपके पास आएगा पेज नंबर फाइव, वो आएगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पर जाके क्लिक करना है। तो इसी कंटिन्यूएशन में जब आप क्लिक करते हो आएंगे, तो आपके सामने एक आएगा फिर पेज नंबर सिक्स, जो आएगा प्राइवेसी। प्राइवेसी इसमें आप देखोगे कि आज अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे, तो आप देखोगे कि इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे। ये ऑप्शन जो होंगे, ये रिलेटेड टू होंगे कि आपके साथ किसी प्राइवेसी से रिलेटेड आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, आपने कोई बाइंग करी है उससे रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है, या किसी ने कोई कमेंट दिया है। इस तरीके के बहुत सारे आप ऑप्शन इसमें देखेंगे जो रिलेटेड टू द कंसर्न होंगे कि आपको किस पॉइंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम की रिपोर्ट करनी है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक मेन पेज खुल के आएगा, जैसा कि सेवन नंबर पे दिखाया गया है। इस पर जो होगा वो लिखा हुआ है व्हाट हैपन। अब ये वो मेन पेज है जहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट को दर्ज करना है। अब आप इसमें देखेंगे, आपको सबसे ऊपर जो कॉलम दिया हुआ है, वहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम को लिखना है, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई है। फॉर सपोज के लिए कि अगर आपके साथ कोई वीडियो स्कैम हुआ है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरे साथ इस तरीके की यूज़र आईडी, जो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी जिस बंदे ने आपके साथ ये फ्रॉड किया है, उसका आप लिंक, जो उसके नेम का लिंक है, उसके पेज का जो लिंक है, वो आप कॉपी पेस्ट करके अलग से रख लें, सो दैट कि जब आप कंप्लेंट करें, तो उस वक्त यहाँ पे राइट वाले सेक्शन में आप उसको लिख सकें। तो इस राइट वाले सेक्शन में बॉक्स में आपको यहाँ पर उसका लिंक भी देना है कि इस वाले लिंक से जिस पर्सन ने आपके साथ फ्रॉड किया है, और पूरा मैटर लिखना है कि इस बंदे ने आपके साथ किस तरीके का फ्रॉड किया है, चाहे वो बाइंग से रिलेटेड हो, वीडियो कॉल स्कैम से रिलेटेड हो। आपको पूरी जो भी डिटेल्स हैं, वो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से लिख देनी है। जब आप यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल्स को लिख देंगे, उसके बाद आप नीचे देखेंगे एक पिक्चर लगी हुई है, जहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है अटैचमेंट पिक का। आपको पिक्चर अटैच करनी है यहाँ पे कैमरा रोल में जाकर।
ये आपके डायरेक्ट जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको अपने मोबाइल की गैलरी पे ले जाएगा। गैलरी से फिर आपको वहाँ से वो पिक्चर डाउनलोड करनी है जो आप एज अ एविडेंस आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं रिपोर्ट के लिए। वो पिक्चर आपको यहाँ पे अटैच करनी है और अटैच करने के बाद आपको ये पूरा मैटर बनाने के बाद प्रॉपरली और आपको राइट में जहाँ सेंड लिखा हुआ है वहाँ पर आपको सेंड बटन दबाना है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है जब भी आपके साथ फेसबुक पर कोई फ्रॉड हो रहा है। अगर आपको फ्रॉड के साथ साथ कोई भी कंटेंट भी गलत लगता है, जो आपके पेज पर कोई पोस्ट कर रहा है जो आपको कंटेंट नहीं चाहिए, या फिर आपके पेज पर कोई गलत तरीके से कमेंट भी कर रहा है, चाहे वो कोई गाली गलौज हो या किसी तरीके का कोई गलत वर्ड हो, तो भी आप यहाँ पर जाके कंप्लेंट को कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है फेसबुक पर कंप्लेंट करने का। सो होप सो कि आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि जब भी किसी फेसबुक पर आपको कंप्लेंट करना है तो उस कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो गाइस, स्पेशली उनके साथ जिनके साथ आजकल फेसबुक पे फ्रॉड हो रहा है, इस प्रोसीजर को आप जरूर फॉलो करें और अपनी कंप्लेंट करें। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।